नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, YouTube चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में क्वेश्चन जो था वो ये था कि ट्रांसफार्मर जो है एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है। तो दोस्तों, उसका जवाब कुछ इस तरीके से है कि जो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। दोस्तों, उसको मैं और डीपली थोड़ा समझा देता हूँ कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अंदर कुछ इस तरीके से करंट का फ्लो होना चाहिए कि उस करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कम या ज़्यादा हो, यानी कि करंट जो है कम या ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा प्राइमरी के आसपास वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कम या ज़्यादा होगा। तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसका एम्पलीट्यूड या जिसका प्रभाव जो है कम या ज़्यादा होता हो, उसके अंदर अगर कोई दूसरा कॉइल या कंडक्टर उसके फील्ड में आता है तो उस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल के अंदर अगर वोल्टेज इंड्यूस हो जाए उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, और उसी कॉइल के अंदर अगर जो वोल्टेज इंड्यूस हो उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, एसी के अंदर ये गुण होता है, एसी वोल्टेज जो होती है, एसी जो करंट होता है उसका एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होता है, कभी पॉजिटिव भी होता है, फिर जीरो भी होता है, और फिर नेगेटिव साइकिल यानी कि डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो एसी का करंट जो है वेरी करता है, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता है, और वेरी करते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेकेंडरी अगर रखी हुई है तो उसके अंदर जो है वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी और उसके अंदर सेकेंडरी पे वोल्टेज आपको मिल जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग और प्रिंसिपल है। लेकिन डीसी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि ना तो उसका करंट जो है वेरी करता है, ना ही करंट की डायरेक्शन वेरी करती है। इसलिए अगर डायरेक्ट डीसी हम ट्रांसफार्मर पर लगा देंगे तो ट्रांसफार्मर जो है एक स्पाइक बनाएगा, एक छोटी सी वोल्टेज बना के, और उसके बाद वो तुरंत जो है मैक्सिमम करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा और वो जो ट्रांसफार्मर है ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमारा जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के अंदर बैटरी लगी होती है और वो ट्रांसफार्मर जो है उस पर काम भी करता है बैटरी पे। वो इसलिए होता है दोस्तों कि जो डीसी होती है प्योर, उसको अगर हम ऑन ऑफ करेंगे यानी कि उसकी स्विचिंग करा दें, जैसे कि हमारे इन्वर्टर में होती है मोसफेट की वजह से, जब मोसफेट को हम ऑन ऑफ करते हैं तो करंट है वो कम या ज़्यादा होता है, यानी कि ऑफ करते हैं तो करंट जीरो हो जाता है और जब ऑन करते हैं तो करंट उसका मैक्सिमम या नियर टू मैक्सिमम पहुँच जाता है। तो जैसे ही डीसी को हम स्विचिंग कराते हैं तो स्विचिंग कराने से क्या होता है कि डीसी का एम्पलीट्यूड जो है कम ज़्यादा होता है, जीरो या मैक्सिमम होता है, जिससे ट्रांसफार्मर का जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा होने की जो कंडीशन है वो मीट हो जाती है और डीसी पे भी हमारा ट्रांसफार्मर काम करने लग जाता है अगर हम उसको स्विचिंग करा दें तो। का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ट्रायक बनाने के लिए एक SCR ही काफ़ी है या हमें दो ही SCR यूज़ करने पड़ेंगे। कॉमेंट में इसका जवाब ज़रूर लिखें, अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। और आज का जो वीडियो है वो हमारा ट्रांसफार्मर पे है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी वाइंडिंग के जो कनेक्शन हैं वो सेकेंडरी पे कैसे होते हैं उसको हम CRO पे देखेंगे और उसके कनेक्शन को करके देखते हैं कि अगर कनेक्शन गलत हो जाए तो उसका क्या रिजल्ट होता है और सही कनेक्शन कैसे होते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल करने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, ये जो निशान होते हैं ये आयरन कोर के निशान होते हैं, ये सेकेंडरी है दोस्तों, ये प्राइमरी है, कोर है, ये आपकी सेकेंडरी की दो वाइंडिंग हैं, दोनों वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होनी चाहिए ताकि आपका 909 या 1212 जो भी बने वो आपका एग्जैक्टली सेम वैल्यू का बने। तो ये जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, तो इसका मैं एक बार थोड़ा सा पॉइंट आपको समझा देता हूँ कि जहाँ से हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं हमारी, उसके ऊपर जो है वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो पॉइंट होता है, उसको स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। यानी कि ये इनिशियल पॉइंट है आपका, स्टार्ट पॉइंट है, जहाँ से जिस वायर को पकड़ के हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। और वाइंडिंग को वाइंड करते करते लपेटते लपेटते लास्ट का जो हमारी टर्न होती है, जो लास्ट का छोर होता है, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है। इसी तरीके से जो दूसरी कॉइल है उसका भी एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हमने किन्हीं दो वायर को जोड़ के, जो वाइंडिंग ये है, दो वाइंडिंग है, एक वायर इसका यूज़ करेंगे और एक एंड इसका यूज़ करेंगे, और उससे उनको दोनों को जोड़ के हमने एक सेंटर बनाना है, और सेंटर कुछ इस तरीके से बने ताकि अगर हम मेजर करें, अगर सेंटर पॉइंट से मेजर करें तो दोनों तरफ जो है 99 वोल्टेज आए, और दोनों एंड पॉइंट के ऊपर अगर हम मेजर करें तो 18 वोल्ट यानी कि 18 वोल्ट आए, और उस इस तरीके से हमने उनको कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या रहेगा कि एक वाइंडिंग का एंड पॉइंट और दूसरी वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट जो है वो हमने ट्विस्ट करके और हमने जोड़ना है उसको वहाँ पे, इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्ट पॉइंट दोनों को हम ट्विस्ट करेंगे और जोड़ देंगे तो वो हमारा सेंटर हो जाएगा और बाकी दोनों जगह पे हमारी 99 वोल्टेज मिल जाएगी उस सेंटर के रिस्पेक्ट में, और टोटल मेजर करेंगे तो 18 वोल्ट यानी कि डबल मिल जाएगी। और अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे इस वाइंडिंग का स्टार्ट और एंड ये हो गया है, और यहाँ पे अगर ऐसे हो कुछ तरीके से वाइंडिंग,
कि इस वाइंडिंग का स्टार्ट ये हो और इसका एंड ये हो, और इस केस में अगर हमने दोनों के एंड को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि यहां से अगर मेजर करेंगे तो 9 वोल्ट आएगी और यहां से अगर मेजर करेंगे तो 9 आएगी, लेकिन दोनों एंड पॉइंट के ऊपर अगर हम मेजर करेंगे तो 18 आने की बजाय वो लगभग 0 वोल्ट या 1 वोल्ट के आसपास आएगी। अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्न सही है तो 0 ही वोल्ट आएगी, और एक दो टर्न अगर किसी की ज्यादा है तो 0 से 1 2 वोल्ट तक आपको मिल सकती है। तो अगर आपको यहाँ पे 18 वोल्ट मिलने की बजाय 0 वोल्ट मिले तो इसका मतलब आपके जो कनेक्शन है वो गलत हो गए हैं, आप उनको इंटरचेंज आप कर दें। कनेक्शन का एक ही तरीका है, एक का एंड पॉइंट और दूसरे का स्टार्ट पॉइंट आपने जोड़ना है। मान लीजिए इसका ये एंड पॉइंट है, इसको हम ट्विस्ट करेंगे दूसरे के स्टार्ट पॉइंट से और वो हमारा हो जाएगा सेंटर, और बाकी जो बचे हुए 2 पॉइंट हैं वो हमारे जो हैं लास्ट के पॉइंट हो जाएंगे, जो कि 18 वोल्ट आपको मिलनी चाहिए। इस तरीके से आप मल्टीमीटर से चेक करके इसको कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो है अगर कनेक्शन गलत हो जाते हैं, मान लीजिए ये एंड और एंड हमारे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे जो 18 वोल्ट की बजाय वो आपको 0 वोल्ट मिलेगी, वो इसलिए कि दोनों के जो साइकिल हैं वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। अभी इन फेज है ये, लेकिन अगर एंड एंड को जोड़ेंगे तो एक्चुअली वो स्वैप होके आउट ऑफ फेज मिल जाते हैं हमारे को, एक दूसरे को कैंसिल आउट वो कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऐड होने की बजाय। और अगर यहाँ पे हम स्टार्ट और एंड को जोड़ेंगे तो वो एक दूसरे के साथ एड ऑन हो जाते हैं। स्टार्ट और एंड हम करेंगे, स्टार्ट और एंड को कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे और हमारे को डबल वोल्टेज मिलेगी। और अगर हमने एंड और एंड को कनेक्ट कर दिया तो वो पैरेलल में होके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर के ये फीचर होते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जो है आउट ऑफ फेज होती है, तो इसी तरीके से यहाँ भी आउट ऑफ फेज होगी। लेकिन अगर हमने कनेक्शन उल्टे कर दिए तो ये जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपको आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगी और आपका इनपुट पे करंट लेगा, आउटपुट पे वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों प्रैक्टिकली सीआर और मल्टीमीटर से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक DSO है, एक मल्टीमीटर है और एक ट्रांसफार्मर है जो कि हम इन्वर्टर में यूज करते हैं। नया वाइंड किया हुआ है ये ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो है आपका ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है यहाँ पे जिसकी 2 वायरें हैं, ये सेकेंडरी है, थोड़ी मोटी होती हैं क्योंकि करंट इसमें ज़्यादा ड्रॉ करता है, ज़्यादा फ्लो करता है, इसके अंदर करंट ज़्यादा जो रहता है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 वायर हैं। अब इनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सी वायर को किससे हम कनेक्ट करें इसके कनेक्शन करने के लिए, ताकि ये 909 या 1212 जो भी है वो आपको मिल जाए। सबसे पहले तो हम इसको कंटिन्यूटी पे कर लेते हैं मल्टीमीटर को, ताकि हमें ये पता लग जाए कि इनमें से 2 जो वाइंडिंग हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आपने खुद से नहीं किए हैं तो, अगर कोई मार्किंग नहीं है तो मैं एक पे लगाता हूँ, इसको कंटिन्यूटी पे कर लेते हैं कि जी एक वायर पे लगाता हूँ। ये देखिए ये दोनों वायर एक दूसरे से कंटिन्यूटी दिखा रही है, यानी कि एक वाइंडिंग तो ये है और दूसरी वाइंडिंग आपकी ये देखिए कंटिन्यूटी दिखा रहा है यहाँ पे, तो दूसरी वाइंडिंग ये है। अभी हमें समझना ये है कि इसका एक का स्टार्ट पॉइंट कौन सा है और उसी का एंड पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों मैं कहूँगा नज़दीक से दिखाएं, यहाँ पे ये 4 वायर हैं, एक वाइंडिंग ये है कंटिन्यूटी से पता लगा लिया, दूसरी वाइंडिंग ये है कंटिन्यूटी से पता लगा लिया। अब जो वाइंडिंग का हिस्सा अंदर से निकल के आता है ट्रांसफार्मर के, और जो बिल्कुल बाहर से है वो एंड पॉइंट है, यानी कि ये अगर वाइंडिंग की बात करें तो ये बिल्कुल बाहर वाली साइड है, यानी कि ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट की थी और करते करते ये आखिर में आया, तो ये एंड पॉइंट है। इसका ये स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक उसी तरीके से अगर इनकी बात करें तो ये बाहर वाली साइड है और ये अंदर की तरफ से निकला हुआ है, तो ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से काम आता है, ये बाहर की तरफ जो आउटर साइड में जो बची हुई है वो एंड पॉइंट है, और जो इनर साइड से निकलती है वो स्टार्ट पॉइंट है। ये स्टार्ट पॉइंट है इसी वाइंडिंग का, ये एंड पॉइंट है, इसका ये स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया था वाइंडिंग को, ये एक वाइंडिंग है ये दूसरी है, स्टार्ट एंड ऐसे हो गया। अभी कनेक्ट कैसे करना है हमने, कि एक वाइंडिंग का स्टार्ट मान लेते हैं, इस वाइंडिंग का स्टार्ट और इसका एंड पॉइंट, ये इसका स्टार्ट है ये इसका एंड पॉइंट है, इनको हमें कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये हमने इनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इनको। अभी हमने चेक कैसे करना है कि यहाँ से अगर चेक करेंगे तो लगभग 9 वोल्ट यहाँ आनी चाहिए और 9 वोल्ट यहाँ आनी चाहिए, और टोटल इन दोनों पे चेक करेंगे तो 18 वोल्ट आनी चाहिए अगर हमारे कनेक्शन सही है तो।
मैं इसको प्राइमरी पे इनपुट कनेक्ट कर देता हूँ। ये 210 के आसपास मैंने वोल्टेज इसको दे दिए। अभी इसको DSO को थोड़ा पीछे कर देते हैं, इसका भी यूज़ करेंगे हम बाद में। ये मैंने AC पे कर लिया है इसको, ये मैं यहाँ पे सेंटर पे लगाता हूँ और ये 10 वोल्ट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी 10 वोल्ट दिखाई दे रही है आपको। ये अगर हम ऐसे करते हैं तो फ्लोटिंग वोल्टेज होती है, ये इसको हटाएंगे तो ये जीरो हो जाती है। ये 10 वोल्ट यहाँ पे मिली है और 10 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल गई है, और इन दोनों पे अगर हम चेक करेंगे तो 20 वोल्ट मिल गई, यानी कि डबल मिल गई है। इसका मतलब हमने जो कनेक्शन किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, हमारे को 20 वोल्ट यहाँ पे मिल गई है। और अगर गलती से हम अगर कनेक्शन गलत कर देते हैं तो क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको वापस से हम निकाल लेते हैं। ये स्टार्ट था, ये एंड पॉइंट था, ये स्टार्ट था, ये एंड था। हमने इसके स्टार्ट को इसके एंड से जोड़ दिया था। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्टार्ट पॉइंट को जोड़ देते हैं। दोनों अलग अलग वाइंडिंग हैं, एक ही वाइंडिंग के स्टार्ट एंड जोड़ देंगे तो वो करंट ज़्यादा ले लेगा, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। इस वाइंडिंग का स्टार्ट और इस वाइंडिंग का स्टार्ट हम जोड़ के देखते हैं, फिर क्या होता है हमें पता लग जाएगा। अभी यहाँ पे ये देखिए, मैंने फिर से इनपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। इनपुट कितनी है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 208-9 वोल्ट के आसपास इनपुट है, ये देखिए 208 या 9। अब हम सेकेंडरी पे देखते हैं क्या पोजीशन है। ये सेंटर टेप बन गया हमारा, ये 10 वोल्ट आई यहाँ पे, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ गई है। हमें लगेगा कि जो है ये हमारे कनेक्शन सही हैं, लेकिन टोटल वोल्टेज देखते हैं कितनी आई है। टोटल वोल्टेज हमारी 0.48 वोल्ट, यानी कि जो 20 वोल्ट होनी चाहिए थी वो हमारी सिर्फ अब 0 वोल्ट दिखा रहा है। यानी कि एक दूसरे को इन्होंने सब्ट्रैक्ट हो गई है, एक दूसरे के जो आउट ऑफ फेज होने की वजह से कैंसिल आउट कर दिया है। ये देखिए 10 वोल्ट दिखा रहा है, ये भी 10 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन अगर टोटल वोल्टेज हम देखेंगे तो वो 0 वोल्ट दिखा रहा है। यानी कि ये कनेक्शन हमारे गलत हैं, ये कनेक्शन हमारे नहीं चलेंगे। मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ। ये हमारे पास DSO है दोस्तों, तो ये इसका स्टार्ट पॉइंट था, ये इसका एंड पॉइंट था। स्टार्ट पॉइंट हम उसी को मानते हैं जो वाइंडिंग के इनिशियल स्टेज पे जाता है, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर वाले हिस्से से निकलता है। ये एंड पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे जो है प्रोब का जो पॉजिटिव हिस्सा है वो कनेक्ट कर दिया है। इनपुट को मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। जैसे ही इनपुट को ऑन किया तो आपका जो है वेव फॉर्म आ गई है चैनल 1 पे। चैनल 2 के लिए मैं इसका जो दूसरी वाइंडिंग है उसका स्टार्ट पे ग्राउंड और एंड पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए दोनों आ गई हैं आपकी वेव फॉर्म। अब मैं इनको स्टॉप कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों जो हैं इन फेज हैं, कोई भी जो है आउट ऑफ फेज नहीं है। पॉजिटिव के साथ नीचे पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव है, कोई भी फेज डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टार्ट पॉइंट है दोनों और ये दोनों एंड पॉइंट हैं। और अगर हम इनको मैं रन कर देता हूँ, इसको अगर आप उल्टा लगाएंगे इसको ऐसे करके तो ये आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। ये देखिए, अब इसको मैं दिखाऊँ आपको पॉज करके, तो ये आउट ऑफ फेज है, यानी कि जब ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल है उस केस में ये नेगेटिव ऑफ साइकिल है। इसका मतलब अभी हमने स्टार्ट पॉइंट को उल्टा लगाया है, ये ग्राउंड नहीं, ओके ये है। तो अगर हम इसको अगर ग्राउंड मानेंगे यानी कि स्टार्ट पॉइंट मानेंगे और उस हिसाब से कनेक्शन करेंगे तो हमारे गलत हो जाएंगे। मैं सही और गलत दोनों कनेक्शन भी आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो सही कनेक्शन करेंगे हम, तो सही कनेक्शन के लिए मैं मेंस को पहले बंद कर देता हूँ, इसको प्लग को अनप्लग कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। और उसके बाद ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट और ये एंड है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो एंड पॉइंट है और इसका स्टार्ट पॉइंट है इनको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अब जोड़ने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, बचे हुए जो दो वाइंडिंग हैं जहाँ से हमारी 18 वोल्ट निकलनी चाहिए, वहाँ पे मैं प्रोब को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मर्जी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट आनी चाहिए आपकी, अगर आपकी सही से जुड़ी है तो। अगर आपके कनेक्शन सही हैं तो आपकी आउटपुट आएगी यहाँ पे। ये मैं इनपुट कनेक्ट कर रहा हूँ और ये जैसे ही मैंने इनपुट को ऑन किया, चैनल 1 को मैंने कनेक्ट किया है, चैनल 1 के ऊपर जो है आपकी वेवफॉर्म आ गई है। अब मैं इसको गलत कनेक्शन करके देखता हूँ, उस केस में देखेंगे कि आउटपुट आती है कि नहीं आती है। साथ में मैं मल्टीमीटर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 0 है, आप यहाँ देख पाएंगे अच्छे से। ये आपका 0 है, ये देखिए 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट है और इधर जो है टोटल 20 वोल्ट आई हुई है और आउटपुट वेवफॉर्म भी हमारी आ रही है।
अभी मैं इसके कनेक्शन गलत करता हूँ, फिर स्कोप से और मल्टीमीटर से दोनों से हम चेक करेंगे। गलत कैसे करेंगे हम, अब ये वापस मैं निकाल देता हूँ इनको यहाँ से। स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, अब हमने क्या करना है, स्टार्ट से स्टार्ट को कनेक्शन करें या एंड से एंड को करें तो आपको पता लगेगा। ये मैंने स्टार्ट से स्टार्ट को कनेक्शन जो है कनेक्ट कर दिया है, बाकी बचे वैसे भी हम चेक करेंगे। किसी पे भी ग्राउंड करें, किसी पे भी जो है आप पॉजिटिव दें, वेव फॉर्म आनी चाहिए। अगर आउट ऑफ फेज होगा तो आपकी वेव फॉर्म नहीं आएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके कोई वेव फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पे। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है, वेव फॉर्म नहीं आई है। मल्टीमीटर से कन्फर्म कर देता हूँ ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे 10 वोल्ट आया हुआ है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है। ये जो है आपका लूज हो गया थोड़ा, यहाँ से चैनल 2 को तो मैं बंद ही कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट आपको दिखा रहा है, लेकिन टोटल को अगर आप चेक करेंगे तो ये 0 वोल्ट दिखा रहा है। और इसी तरीके इसीलिए जो है आपकी कोई भी वेवफॉर्म यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि आउटपुट में 0 है, एक दूसरे को जो है उसने कैंसिल आउट कर दिया है, इसलिए आपको आउटपुट में कोई वेवफॉर्म दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। हालांकि इनपुट पे 10 वोल्ट इधर दोनों तरफ 10-10 वोल्ट आ रही है, लेकिन टोटल वोल्टेज नहीं आ रही है, क्योंकि जो एक दूसरे की आउट ऑफ फेज होने की वजह से उन्होंने सब्ट्रैक्ट हो गई है, एक दूसरे को कैंसिल आउट उन्होंने कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।